नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल RAS एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान पुलिस 2020 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है तथा आज की ये वीडियो एग्जाम डेट से संबंधित है, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है राजस्थान पुलिस का जो लिखित परीक्षा है वो अगस्त महीने में भी नहीं होगी। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, कारण सहित आपको बताया जाएगा कि जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है वो अगस्त महीने में भी क्यों नहीं होगा, आखिर राजस्थान पुलिस की जो लिखित परीक्षा है वो कब होगी। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक जरूर देखना तथा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी पर। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा, तभी आपके पूरी जानकारी समझ आएगी कि और आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वो अगस्त महीने तक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर RSMSS भी है ये और RPSC अलग से है, उसने भी कैलेंडर जारी कर दिया है। जो RSMSS भी है उसके जो कैलेंडर है उसमें आप यहाँ पर देखिए, ये 14 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है RSMSS भी ने, और इसमें जो प्रथम जो भर्ती है जो RSMSS भी प्रथम भर्ती कराएगा वो सितंबर महीने में, यहां पर आप देखिए 19 सितंबर 2020 को प्रथम भर्ती होगी, और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा ये 2018 वाली भर्ती है, जो RSMSS भी कराएगी ये 19/9/2020 को भर्ती प्रक्रिया कराएगी। ये 14 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। यहां पर देखिए, इसमें पटवारी जो भर्ती है, पटवारी की भर्ती के बारे में भी डिटेल थी, और ये 28/2/2021 में 28 फरवरी को आपकी पटवारी भर्ती के बारे बताया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको दूसरी जानकारी बताते हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वहां पर 14 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें 9 सितंबर से भर्तियां चालू है राजस्थान में। और आप यहां पर देखिए, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन डाला गया था ये 4 जुलाई का है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, ये 4 जुलाई का है, और इसमें ये बताया गया है कि जो राजस्थान में सभी कॉलेज विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, चाहे वो टेक्निकल की हों चाहे वो कलावर की हों, सभी के आपके जो आप बिना पेपर के ही प्रमोट कर दिया गया है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, और उस गाइडलाइन में आपको ये बताया गया है कि 31 जुलाई तक तो जो स्कूल कॉलेज हैं वो बिल्कुल बंद किए जाएंगे। और आपको ये जो नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार के द्वारा डाला गया था, इसमें भी ये बताया गया है कि जो आपके कॉलेज विश्वविद्यालय के जो एग्जाम हैं जो कि पोस्टपेंड हो गए थे, उनकी जो 15 जुलाई से आपके एग्जाम होने थे वो भी पोस्टपेंड अब दोबारा से कर दिए गए हैं, और अब आपको बिना पेपर के ही अब दोबारा से प्रमोट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब तक ये जो 3 या 4 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, और जैसे कि RPSC ने भी कर दिया है, RSMSS भी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है, और राजस्थान सरकार के द्वारा जो कॉलेज विश्वविद्यालय को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें भी 31 जुलाई तक स्पष्ट मना कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको एक बात तो क्लियर है कि जो आपका जो पेपर है वो अगस्त महीने में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 31 जुलाई तक तो सभी चीज़ें बंद रहेंगी एजुकेशन से संबंधित। तो और ऐसा है नहीं, आप सभी ये जानते हैं, आप सभी शिक्षित हैं कि एकदम से 15 दिन के अंदर कोई भी विभाग हो वो इतनी तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि राजस्थान पुलिस में अब की बार 17 लाख स्टूडेंट हैं, एक सीट पर 380 लगभग जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा है, एक सीट पर 380 स्टूडेंट है। तो आप अब लगा सकते हैं बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, 17 लाख बच्चे हैं, तो इनके लिए व्यवस्था करनी भी होती है, और ऊपर से कोरोना वायरस का संक्रमण भी घट नहीं रहा है उल्टा बढ़ ही रहा है। तो इस प्रकार से जो आपकी एग्जाम है वो अगस्त महीने में भी किसी भी प्रकार से नहीं होगी, आपकी जो एग्जाम है वो अगस्त महीने के बाद में यानी कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो सकती है। लेकिन इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं है राजस्थान पुलिस के द्वारा, लेकिन हाँ ये जरूर है जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर आप देखिए प्रेस रिलीज्ड जो भी नोटिफिकेशन आएगा, ये राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल साइट है, इस पर ही वो नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं तुरंत मेरे चैनल पर इसे अपडेट कर दूंगा, इसलिए यदि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी राजस्थान के अलवर जिले से हूँ, और मैं आपको राजस्थान की जो भी वैकेंसियां निकाली जाती हैं, जैसे हाई कोर्ट है, पटवारी है, पुस्तकालय है, बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग में हुई हैं, और इनकी मैं डेली जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है वो डेली चेक करता हूं, इसलिए जैसे ही राजस्थान पुलिस की कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत ही मेरे चैनल पर अपडेट करूंगा, इसलिए आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राजस्थान पुलिस से संबंधित आप तैयारी जी लगा कर करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद दोस्तों।